हाल ही में जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं रामचंद्र ग्रत, उन्होंने कहा था कि जब भी महागाड़ी का कोई नेता आता है मुंबई में या कुछ बोलता है तो गणेश नाइक का नाम लिए बिना भाषण खत्म नहीं होता है और बिना गणेश नाइक के वो महागाड़ी के नेता चल ही नहीं सकते। क्या प्रतिक्रिया है? उसकी दो वजह है। एक तो रामचंद्र ग्रत हमारे अच्छे मित्र हैं, समझदार आदमी है। उन्होंने गणेश नाइक पे इसके पहले आप पुराने वीडियो निकालिए जो क्रिटिसिज्म किया, जो टीका की, जो गंदी बातें कही है, मुझे नहीं लगता नई मुंबई में किसी ने की होंगी। तो ये कहने का उनको अधिकार नहीं, क्योंकि वो बहुत गलत बात गणेश नाइक साहब के बारे में बोलते थे। दूसरा, हम लोग जो बात करते हैं उसकी वजह ये है कि ये हमेशा बताते हैं कि मैं, हमारी जो रूलिंग पार्टी उस समय राष्ट्रवादी थी, कभी शिवसेना थी, कभी बीजेपी है, वो पार्टी बदलते रहते हैं। वो गद्दार के शिरोमणि बन गए, अभी सबसे बड़े गद्दार है महाराष्ट्र में। तो मैं उनका सलाहकार हूँ, तो ये जो करप्शन हुआ है, ये जो नवी मुंबई के मैंने आपको जो प्रश्न बताए, ये जो पेंडिंग रखे हैं, इसके लिए गणेश नाइक जिम्मेदार है। और जो गलत आदतें कॉरपोरेशन में लगाई है, इन्होंने लगाई है, इसलिए उनका नाम लेना बहुत जरूरी है। जिन्होंने गलतियां की, वो गलतियां गिनाना हमारा काम है। और ये ऐसे गंदे काम, ऐसा करप्शन महापालिका में फिर से ना हो, ये लोगों को समझाने के लिए हम बार बार उनका नाम लेंगे। और आपको पता है कि सब लोग इनको मिस्टर 5% के नाम से पहचानते हैं। तो वो लोग क्यों बोलते हैं, हम नहीं बोलते, पूरा शहर बोलता है कि मिस्टर 5%। आप किसी से भी पूछिए ना। तो ये जो गंदा काम हुआ है उसके लिए नाम लेना बहुत जरूरी। रामचंद्र ग्रत आज नहीं बोलते, प्राइवेट में उनको पूछिए वो क्या बोलते हैं, आप देखिए।